हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो दोस्तों, मिल रही हूँ आपसे ऑलमोस्ट एक साल के बाद में। जी हाँ, ये एक साल में मैं क्या कर रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत सारे मेल्स भी आए कि आप हो कहाँ पे मैम, बट मैं आपको यही बताने के लिए आज का वीडियो शूट की हूँ कि ये एक साल में मैं एक बहुत ही बढ़िया वाले मिशन पे। जी हाँ, आई वॉज प्रेग्नेंट एंड मैं अभी एक ब्यूटीफुल डॉटर की मम्मी बन गई हूँ। तो आज मैं आपके साथ में अपनी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एक साल के बाद में अपनी स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रही हूँ कि मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी जो है, ये वुड बी मदर्स जो होंगी, जो कंसीव करना चाहती है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो। क्योंकि कितना भी कर लो, फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मतलब थोड़ा सा घबराहट रहती है। तो होप इट विल बी हेल्पफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी शादी हुई है 23 मार्च 2018 में। तो उसके बाद में एनिवर्सरी कंप्लीट होने के पहले ही मैंने कंसीव कर लिया था। एक्चुअली आई वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOS एंड थायरॉयड फ्रॉम 6 ईयर्स। तो मैंने वो सब ओवरकम करके कंसीव जल्दी करने का डिसीजन लिया था, ताकि आई डोंट वांट कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है, वो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़े। तो आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो बेसिकली फर्स्टली तबीयत वबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोनोग्राफी की और पता चला फर्स्ट सोनोग्राफी में दैट आई वॉज प्रेगनेंट। आई वॉज ऑन Cloud 9। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश थे। तो इनिशियली 2 to 3 months जो थे मेरे काफ़ी ज़्यादा हार्ड गए। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, बट मुझे अपना काम रोकना पड़ा क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी और मुझे नौशिया बहुत ज़्यादा रहता था, चक्कर आना और वोमिटिंग जैसी फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी 2 to 3 months की वो ड्यूरेशन में। लेकिन मैंने जब मेरे फ्रेंड लोगों को वगैरह पूछा तो वही बोल रहे थे कि ये मतलब रहता ही, ये बोले और ये 3 से 4 month में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हुआ वैसे ही, सब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब आई वॉज़ फीलिंग क्वाइट वेल आफ्टर 3 and a half months। तो मैं एकदम अच्छा फील करने लग गई थी। लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं बहुत केयर ले रही थी कि मैं ज़्यादा झुक नहीं रही थी, बहुत संभल संभल के चल रही थी। पर मैंने अपना 30 minutes to 1 hour का वॉकिंग एकदम कंटिन्यू रखा था। पुणे में थी मैं तब। तो बाद में मुझे मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी तो मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। कुछ समझता नहीं था ज़्यादा बातें, क्या खाओ क्या नहीं, ये वो। तो मैंने सोचा कि मैं नागपुर मूव करती हूँ अपने मम्मी के घर में। तो मैं ऑलमोस्ट 6 and a half months में अपने मम्मी के यहाँ पे आ गई। तो उस ड्यूरेशन में मेरी तबीयत एकदम बढ़िया हो गई थी। 3.5 months to 6 months के ड्यूरेशन में एकदम मैं अच्छा फील करती थी, सारा काम करती थी घर का। और मैंने स्पेशली एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग ये बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो। मतलब बेबी वेट बढ़े तो इट्स ओके, बट मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने अच्छे से अपना वॉकिंग वगैरह चालू रखा था। मम्मी के घर में आने के बाद भी मैंने प्राणायाम, मेडिटेशन, बाकी सब चीज़ें अच्छी रखी थी। तो स्पेशली मुझे जो फर्स्ट 3.5 months थे उसी में प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी में, बाकी मैं अच्छा फील की। बाद में मेरा 7वां month जब लग गया तो 7वें month में मुझे धीरे धीरे एकदम भारीपन महसूस होता था, और जो मतलब गले में ऐसे एकदम जलन टाइप लगता था, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी। तो उसमें भी मैंने मतलब कुछ रेमेडीज़ वगैरह करके वो मेरा नॉर्मल हो गया, बट भारीपन जो था वो बढ़ते ही जा रहा था। ऑफकोर्स 7 months के बाद में बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ता है तो वो बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन जब 9 months मेरा स्टार्ट हुआ, 8 and a half months, उसमें मुझे एक अजीब सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मुझे ईचिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। अब ऐसा है, प्रेगनेंसी में ईचिंग इज़ नॉर्मल। जो अपना पेट का पोर्शन है वो एनलार्ज होता है तो वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है। तो बेसिकली सब लोग ईचिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऑयल लगाओ, जो बायो ऑयल वगैरह रहता है तो उससे हो जाएगा ठीक, ऐसा बोलते हैं। तो आई वॉज अप्लाइंग दैट मॉइस्चराइज़र वगैरह, सब ऑयल वगैरह, बट जो मेरी ईचिंग की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और
मेन बात बता दूँ कि मैं पहले से ही आई वॉज इन फेवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी इस बात के लिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। मैंने 3-4 डॉक्टर को कंसर्न किया, कंसल्ट किया इसके बारे में, लेकिन ऐसा है कि मुझे इस मामले में एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। बट बात ऐसी थी कि डॉक्टर, हर डॉक्टर कंफर्म नहीं कर रहा था, तो एक दो डॉक्टर थे जो सीरियसली बोल रहे थे कि हाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे करके, बट टाइम पे पता नहीं। तो बेसिकली लास्ट तक के मुझे यही बोला जा रहा था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जो मेरा ईचिंग का प्रॉब्लम है वो बढ़ते बढ़ते मेरे को 3 नवंबर डेट मिली थी। फर्स्ट सोनोग्राफी के बाद से ही मुझे 3 नवंबर डेट मिली थी। और ऑफकोर्स एक बार 3 नवंबर डेट मिलने के बाद में आई वॉज इतना एक्साइटेड थी कि 3 नवंबर कब आता है। तो फिर जब 9 मंथ लग गया मेरा, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब रात में इचिंग का प्रॉब्लम बढ़ गया कि मेरा पेट का पूरा पोर्शन लाल लाल हो गया था, एकदम रेडनेस, और पूरा मतलब जो स्ट्रेच मार्क्स थे वो पूरे अति ज़्यादा रेड हो गए थे। तो मुझे ये कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि नॉर्मल इचिंग नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोलियोस्टेसिस। जी हाँ, उसमें ना लीवर में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे जिससे आपकी इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सेकेंडली, आप अगर बुज़ुर्गों से पूछोगे तो उनसे ये सुनने को मिलता है कि अगर बच्चे के बाल ज़्यादा हो तो भी आपको इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे केस में डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको कोलियोस्टेसिस है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब इसमें क्योर कुछ नहीं है, इसके लिए वो लोग कुछ नहीं दे सकते आपको मेडिसिन। इसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि आपको जो डिलीवरी है वो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ईचिंग अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो आप रह नहीं सकते, आप नॉर्मल रह ही नहीं सकते, आप रेस्ट भी नहीं कर पाते हो। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको अगर 3 नवंबर डेट दी और आपको ईचिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो कोलिस्टिसिस है, 2-3 मैंने गोलियाँ भी ली उसके लिए, बट एज सच मैंने पूरे प्रेगनेंसी में बाहर की गोलियाँ, अपार्ट फ्रॉम फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम एंड आयरन, मैं बाहर की गोलियाँ लेना बहुत ज़्यादा अवॉइड की थी। बेबी का वेट अच्छे से बढ़ रहा था, बेबी को कोई ख़तरा नहीं था, बट मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 2 दिन पहले आ जाओ, आर्टिफिशियल इंड्यूस कर देंगे और आपका मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल है, बस यही एक प्रॉब्लम है कोलियोस्टेसिस का। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पहले जाऊंगी, आर्टिफिशियली इंड्यूस करूंगी तो चांसेस सीज़र के बढ़ जाएंगे। तो और एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत की थी मेरी पूरे 9 मंथ में खुद की हेल्थ अच्छी रखने को लेके कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ में। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई बिना किसी दिक्कत आए हुए मैं सीज़र के लिए ऑप्ट कर लूँ। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कंट्रोल करूँ। बाद में ऐसे हुआ कि जब 1 तारीख आ गई थी, 30 तारीख, मेरे हस्बैंड आए पुणे से, क्योंकि उनको पता, उन्होंने अच्छी छुट्टी ले ली थी 1 महीने की। तो ऐसा था कि वो टाइम पे ना मेरी समस्या और बढ़ रही थी, जैसे जैसे डेट पास आ रही थी। तो 30 अक्टूबर को हम बाहर खाने गए थे, क्योंकि ऐसा मुझे पता था एक बार डिलीवरी होने के बाद में मैं बहुत ही चटपटा, मीठा और जो कुछ भी है वो नहीं खा सकूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में बैठी थी रेस्टोरेंट में बिरयानी खाते हुए, अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई फुल बॉडी में कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आई वॉज लाइक मैं रोने पे आ गई कि मुझे मतलब मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास में, मैं सहन ही नहीं कर सकती करके। तो फिर मतलब इतना मतलब मुझे बुरा लग रहा था वो टाइम पे, क्योंकि मैंने इतना कंट्रोल किया कि एटलीस्ट 3 नवंबर तक के मैं अगर रुक जाऊँ तो हो सकता है मुझे नेचुरली पेन आना चालू हो जाए, बट मेरे से हो ही नहीं रहा था। फिर मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरी हॉस्पिटल बैग तो पैक ही थी पूरी, हस्बैंड लेके गए मुझे हॉस्पिटल। हम जब चेक करने गए तो डॉक्टर ने बोला था कि आप रात में आ जाइए, रात भर के लिए रुकिए, सुबह हम आपको आर्टिफिशियल इंड्यूस कर देंगे। तो मैं गई 30 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटल में गई, रात भर हम रुके, सुबह मुझे इंजेक्शन दिया गया, आर्टिफिशियल इंडक्शन किया गया मेरे को। तो थोड़ी देर में ऐसे कुछ जेल टाइप का जो लिक्विड है वो मतलब वो ऐसे सीक्रेट होने लग गया। तो फिर मुझे थोड़ा मतलब मुझे पेन, कुछ भी लक्षण नहीं थे पेन के, तो सुबह दिया उन्होंने। फिर
फिर 12 बजे तक के हम रुके, और वो डॉक्टर आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कुछ आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ पेन फील ही नहीं हो रहा था, और मेरे साथ की जो मतलब वहाँ पे वुमेन थी, तो उनको प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, तो वो मतलब उनका उनको थोड़ा थोड़ा पेन आना स्टार्ट हो गया था, बट मुझे कुछ पेन नहीं आ रहा था। आई वॉज सो कंसर्न कि क्यों नहीं आ रहा है। और फिर मतलब मुझे ऐसे मन में लग रहा था कि यार मैं सीज़र की तरफ बढ़ रही हूँ, बट ठीक है। फिर मैंने अपने मन को समझा दिया कि बेबी हेल्दी होना इज़ नेसेसरी देन हैविंग नॉर्मल और सीज़र। तो फिर डॉक्टर बोले कि अगर पेन आता है, वो चेक कर रहे थे हर 2 घंटे में चेक कर रहे थे कि मैं कितना सेंटीमीटर डायलेट हुई हूँ, तो आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के बाद में मैं सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक की थी, वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक के जाता है जो एनलार्जमेंट है, तो मैं सिर्फ 2 सेंटीमीटर थी। तो वो बोले कि अगर 6 साढ़े 6 बजे तक के अगर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो हमें सीज़र करना पड़ेगा। मेरी मतलब एक्चुअली अभी तो मैं आपके साथ मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था इतने टाइम की मेहनत पानी में गई। क्योंकि मतलब जहाँ तक कि मैंने सुना था सीज़र के बाद के प्रॉब्लम्स ये वो, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो फिर क्योंकि मुझे समझ में आ गया था अब सीज़र होने वाला है, तो फिर 7:45 एक्चुअली उस दिन पंचमी थी, दिवाली का टाइम था तो पंचमी का दिन था, तो फिर 7:45 वगैरह बजे थे, तो उन्होंने चेक किया और कोई प्रोग्रेस नहीं थी, सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायलेट थी। मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरे सास, हस्बैंड सब थे। तो फाइनली डिसीजन लिया गया कि सीज़र करना है। तो जैसे ही डिसीजन लिया गया मैं रोने पे आ गई। मैंने खुद को कंट्रोल किया पर मुझे बहुत रोना आ गया था। तो डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि क्या तुम टेंशन ले रही हो, क्योंकि सीज़र में तो कोई पेन ही नहीं होता और तुम टेंशन ले रही हो, पर मुझे पता था कि बाद में तो अच्छी खासी वाट लगेगी करके, बट ठीक है। तो फिर मैं बट अभी नहीं बट वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, और रोते रोते मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी आप मतलब ऐसे आपका मौका आए तो प्लीज़ मतलब खुद को धीरज दीजिए और मत रोइए, क्योंकि मैं इतना दिल पे ले ली ये बात, मेरा बीपी लो हो गया एकदम से। मुझे वहाँ पे बिठाया गया, मुझे जो स्पाइन में देते हैं इंजेक्शन, एनेस्थेशिया दिया गया, वो जो कि पार्शल एनेस्थेशिया रहता है, उसमें अपने को दिखता है सब, लेकिन मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। तो डॉक्टर भी बहुत घबरा गए कि इसे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा ठंडी पड़ गई थी और पूरा थर थर काँपने लग गई थी। तो और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था वो टाइम पे कि मतलब पता नहीं, मैंने इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए थे बात को, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फिर मैं खुद को समझा रही थी कि नहीं प्लीज़ तू नॉर्मल, और वो लोग भी मुझे बात करने के लिए हिला रहे थे क्योंकि उनको दिख रहा था ये ठंडी पड़ गई है करके। और उन्होंने बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर मेरे आँखों के सामने मतलब आई वॉज जस्ट लाइक लाइंग ऑन बेड, पर मुझे समझ में आ रहा था कि पेट काट रहे हैं, पेट काट के जल्दी से बेबी को निकाल दिया। और आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, और मुझे सुनाई दिया कि डॉक्टर ने बोला कि लड़की हुई है, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड आई हैव बिकम मदर। और मेरी फीलिंग बहुत अलग रहती है, लेकिन मैं खुश हो रही थी, लेकिन जो मेरा लो बीपी और ठंडी हो गई थी मैं, वो क्योर नहीं हो रहा था। मैं मतलब कैसे तो भी हो रहा था मुझे, तो नर्स को लगा कि अब क्या करूँ, वो मुझे थप्पड़ मार दे, ओढ़े तुम बोलो, तुम बात करो। फिर एक नर्स ने बेबी को मेरे पास में से ला के दिया, तो इतना मतलब उसके एकदम काले काले बाल, और मैं बस देखती रह गई, मतलब ओह माय गॉड शी इज़ माय बेबी। और एक्चुअली मेरी बेबी का वेट 7.25 किलो था जब वो पैदा हुई थी तब, तो उसको फट से डायबिटीज़ टेस्ट के लिए लेके गए, क्योंकि डॉक्टर बोले कि इतना वेट रहता नहीं है जनरली, बट थैंक गॉड उसकी डायबिटीज़ टेस्ट नेगेटिव आई। तो इन एंड ऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, अच्छा था सब। लेकिन मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही बताती हूँ कि मतलब आप कितना भी मेहनत करो, बट लास्ट में आपके हाथ में कुछ कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, तो आप डिसअपॉइंट मत हो टाइम पे, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को उस टाइम पे अफेक्ट करेगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मेरा बीपी लो हो गया था तो पूरे डॉक्टर की वट गई थी वहाँ पे, पूरे डॉक्टर मतलब वहाँ पे कंसर्न हो गए थे कि पेशेंट को क्या हो रहा है करके। बट ठीक है, सब अच्छा हुआ।
और मैं क्यूट सी बच्ची हो गई मुझे, और बस यही है मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी. एक्चुअली मतलब बहुत एक अचीवमेंट लगती है मुझे कि मैंने खुद को PCOS थायराइड को बैलेंस करके एक हेल्दी बेबी को मैंने बर्थ किया है. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद में मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रख के बहुत अच्छा रखा. तो आप में से भी अगर कोई थायराइड और PCOS के पेशेंट्स होंगे और जिनको मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम जा रही है, तो इफ़ यू वांट कि आप मतलब जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या किया जिससे मेरा थायराइड और PCOS एकदम बैलेंस होके मैंने अच्छे से कंसीव किया, तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकती हूँ. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसे लगा आज का वीडियो, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछिए. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कमबैक करते हुए यूट्यूब पे, एंड थैंक यू सो मच चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. और अभी सिलसिला फिर से चालू हो जाएगा वीडियोस का, और थैंक यू सो मच.